पंजाब पुलिस की ओर से 22 तारीख को एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद 21 अक्टूबर 1969 में सीआरपीएफ के करीब 20 जवानों को चाइना के बॉर्डर पर उनको शहीद कर दिया गया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मैराथन निकाली जा रही है, जिसका नाम रन फॉर पुलिस रखा गया है। वहीं जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अमृतसर में 22 अक्टूबर को एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य मकसद युवाओं को 21 अक्टूबर 1969 में जो सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया गया था, वहीं लोगों को उनके प्रति जागरूक करने के लिए ये मैराथन निकाली जा रही है और सबको आमंत्रण करते हैं कि कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, चाहे वे बुजुर्ग हो चाहे वे जवान हो। उन्होंने कहा कि इस मैराथन की दो पड़ाव रखे गए हैं, जो कि एक पड़ाव 5 किलोमीटर का है तथा दूसरा पड़ाव 10 किलोमीटर का है। इस संबंध में जीतने वालों को उचित इनाम भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपील की है कि इस मैराथन में वे जरूर भाग लें। 22 अक्टूबर को इस साल हम लोग एक रन फॉर मार्टियर्स एंड रन फॉर पुलिस करवा रहे हैं। इसकी बेसिक बैकग्राउंड ये है कि 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस कमेमोरेशन डे पूरे देश में मनाया जाता है, और उसी के साथ क्योंकि 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दी जाती है अक्रॉस द कंट्री पुलिस ऑफिसर्स को और जो भी यूनिफॉर्म सर्विस के पैरामिलिट्री के लोग शहीद होते हैं या इन लाइन ऑफ ड्यूटी जिनकी मौत हुई होती है, तो उसी के साथ लिंक करके हम उनके श्रद्धांजलि के तौर पे और साथ में एक फिटनेस का और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और जो एक लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको जोड़ते हुए हम एक 22 तारीख को रन फॉर मार्टियर्स और रन फॉर पुलिस करवा रहे हैं। नहीं, इसमें हम चाहते हैं कि शहर से हर कैटेगरी के कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, ओपन इन्विटेशन है, और मैं शहरवासियों को आपके थ्रू यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, हिस्सा लें, खुद दौड़ें, एनकरेज करें दौड़ने वालों को और इसमें पूरा पार्टिसिपेट करें, ताकि एक ये मैसेज जाए कि हम लोग साथ हैं, इकट्ठे हैं, और उसमें जो भी पुलिस की एक्टिविटीज़ हैं जो हम क्राइम कंट्रोल और चीज़ों में, उसमें भी उसी तरह से कंधा मिलाएंगे जिस तरह से दौड़ने में मिलाएंगे। मेन जो है, दो तरह की दौड़ की जा रही है, एक 5 किलोमीटर की है और एक 10 किलोमीटर की है। दोनों की ही शुरुआत और फिनिश जो है वो गुरु नानक स्टेडियम से की जाएगी। रूट चार्ट्स और वो सारी चीज़ें हम वेबसाइट पे और आपके माध्यम से अखबारों में दे देंगे, तो वो लोग उस पर पार्टिसिपेट करें, कोई भी आदमी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन करा के इसमें पार्टिसिपेट करें।